नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ये जो आप हमारा ड्रैगन फ्रूट का फार्म देख रहे हैं, ये जिला मथुरा डिस्ट्रिक्ट गोवर्धन के अंदर हमने लगाया हुआ है। आप आकर हमारा फार्म विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारी कटिंग है जो हमने अभी अपने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट से की है। अब इसको बस आपने सीधा सीधा भी आप लगा सकते हैं, ये देखिए, और ये यहीं पर इसका प्लांट तैयार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती आपके पास। एक बार आपने प्लांटेशन कर दी, उसके बाद आपको प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। आप इस तरीके से अपनी कटिंगों के प्लांट बना सकते हैं। और मैं आपको एक साधारण तरीके से बता रहा हूँ, आपको कोई प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस कटिंग करें और उसी को गड्ढा खोद के मिट्टी में गाड़ दें, वही आपका प्लांट बन जाएगा और आपकी फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी। आप देखिए, ये जैसे कि बड़ी बड़ी ब्रांचेज हमने लिए, इनको ये गाड़ दिया है, गुड। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि लोग इसकी पहले नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसका प्लांटेशन करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उससे अच्छा है आप जैसे इसकी कटिंग करते हैं, जो भी आपकी अच्छी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज को आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाई हैं। एक बार दिखा दो। अब अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इनकी ग्रोथ, जो हमने कटिंग लगाई है, इनकी कितनी ग्रोथ होती है, उसके बाद हम इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालते हैं, क्या इसमें स्प्रे हम करते हैं, वो सारा हम आपको दिखाएंगे। बस हमारे चैनल पर आप बने रहें और हमें अपना प्यार ऐसे ही करते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो एक अच्छी जानकारी के साथ लाते रहें। अभी हमारा काफ़ी एरिया बचा हुआ है, हम कम से कम 500 कटिंग लगाने वाले हैं, इससे हमारे 500 पेड़ और बढ़ जाएंगे। 500 हमने पहले लगा रखे थे, तो हमारे पास 1000 के करीब पौधे हो जाएंगे तैयार। अभी दिखाते हैं हम आगे और कैसे हम लगा रहे हैं। ये देखिए, बस आपको ध्यान रखना है, नीचे इसके ज़्यादा घास वास ये ना हो, आपकी साफ़ सुथरी ज़मीन हो। ये हमने 4 गड्ढे कर लिए, याद रहे ज़्यादा नीचे गहराई में आपको ये नहीं डालनी है, बस हल्का हल्का सा ये दब जाए और उसके बाद आपकी ये प्लांटेशन हो जाएगी। भाइयों, अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूं, तो प्लीज़ मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी मेरे जो भाई हैं जो फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपना लाभ उठा सके इस वीडियो से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।